सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों टाइपिंग तो आप सभी करते हैं, यहाँ पे चाहे आप करते हो अपने मोबाइल फोन पे या फिर आपने लगा रखा हो अपने घर में कोई हाई एंड पीसी, लेकिन आप सभी को याद रखना पड़ता है यहाँ पे क्वालिटी कीबोर्ड के लेआउट को, और शायद आप सभी को याद ही होगा जो कि है QWERTPOYUY ASDFG SEMI-LL-KE-JH ZX CV MNB। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमको इसको याद क्यों रखना पड़ता है, क्यों नहीं हम सिक्वेंस में लिख देते हैं इसे लेकर जेड तक दोस्तों सारे के सारे आपके सामने अल्फाबेट्स, जिसके बाद में आप बड़े ही आराम से उनको याद भी रख पाएं, टाइप भी कर पाएं। तो हां, जब इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं क्वालिटी कीवर्ड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं यार कि मतलब आज हमारे पास में आ गए हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह, ये तो पिछले कुछ सालों की ही देन है, लेकिन इससे काफी साल पहले ही यहाँ पे दुनिया में आ चुका था टाइपराइटर। और यहाँ पे क्योंकि दोस्तों टाइपराइटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, वहां पे गियर्स हैं, वहां पे लीवर्स हैं, मतलब वहां पे दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के मूविंग पार्ट्स हैं। अब टाइपिंग तो हमको उस टाइम पे भी करनी ही होती थी, तो यहां पर दोस्तों आया था सबसे पहला टाइपराइटर, वहां पे क्वालिटी का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था, वहां पे हम सीक्वेंस में लिखते थे ABCDEF करते दोस्तों जेड तक, और हमने शुरू कर दिया था टाइपिंग के हमारे इस नए एक्सपीरियंस को, जहां पे आप कुछ भी टाइप कर पाते हैं। जो इंक वाला होता है रिबन, उसके थ्रू छप जाता है इंक का इंप्रेशन जाके सामने लगे हुए कागज पे। लेकिन दिक्कत दोस्तों क्या हुई कि यहां पे हमने यूज किया दो रोज के लेआउट को, जहां पे दोस्तों जो बटन थे वो कुछ कुछ पियानो की तरह ही थे, तो वहां पे जब आप दबाते किन्हीं दो बटन को जो कि है पास पास, अब क्योंकि दोस्तों यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जो कि हम कॉमनली साथ में यूज करते हैं, जैसे कि IN हो गया, TH हो गया वगैरह वगैरह, तो यहां पे दोस्तों क्योंकि वो बटन्स पास पास प्लेस हो चुके थे उस कीबोर्ड में, अगर आप उनको दबाते हैं तो उससे होता यह है कि वो आगे जाके टाइपराइटर को जैम कर देते हैं, बिकॉज कुछ मूविंग पार्ट्स हैं वो आपस में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, जिससे आपकी जो टाइपिंग है उसका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जो बॉटलनेक था वो मतलब इंसान की टाइपिंग स्पीड नहीं थी, टाइपिंग स्पीड तो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही थी, लेकिन बॉटलनेक था कि वो जो मशीन है वो मशीन कोप अप नहीं कर पा रही है टाइपिंग स्पीड के साथ में। तो यहां पे हमने सोचा कि एक ऐसा लेआउट हमको डेवलप करना चाहिए जहां पे जो कॉमन यूज्ड पेयर्स हैं जो हम काम में लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो थोड़े दूर दूर फैल जाएं पूरे कीबोर्ड में, जिसके चलते हो ये कि हमको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा एक नया लेआउट। लेकिन एक बार अगर आपने याद कर लिया, उसके बाद में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आप जितना तेज चाहें उतना तेज आप सामने टाइप कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों हो गया पैदा क्वालिटी कीबोर्ड। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हमने इसको क्यों क्वालिटी बनाया, वो दोस्तों बस एक बार पहले बन गया, जहां पे हमने सिर्फ वो जो अल्फाबेट्स जो पेयर्स हम पास पास काम में लेते हैं उनको हमने थोड़ा सा दूर दूर स्प्रेड कर दिया। अब क्योंकि ये एक बार बन गया, उसको देख देख दोस्तों उस टाइम पे जितने भी और टाइपराइटर्स बने सभी ने इसी लेआउट को अडॉप्ट किया, और इसके बाद में क्योंकि सब लोगों ने इसी पे प्रैक्टिस की, इसी को सीखा, इसी को समझा, तो आगे चल के आज तक हम बस क्वालिटी को ही काम में लेते आ रहे हैं। और यहां पे दोस्तों इनफैक्ट आज जो आप देखते हैं शिफ्ट की अपने किसी भी टाइप के कीबोर्ड में, जहां पे आप उसको यूज करके स्मॉल या फिर कैपिटल के बीच में स्विच कर सकते हैं, ये दोस्तों शिफ्ट की थी, ये भी पुराने जमाने के टाइपराइटर से चलती आ रही है, जहां पे दोस्तों एक बार ऐसा टाइपराइटर आया था मार्केट में निकल के जहां पे आप स्मॉल और कैपिटल दोनों टाइप की चीजें टाइप कर सकते हैं, और वहां पे शिफ्ट का मतलब ये कि जो कीज की पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो फिजिकली मूव करेगा, जिसके चलते आप स्मॉल या फिर कैपिटल में स्विच कर सकते हैं। और यहां पे हमने आज भी उसी शिफ्ट की को तभी से उसी नाम से यूज करते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों क्या आप सोचते हैं कि ये एक परफेक्ट कीबोर्ड है, क्या इससे हम इम्प्रूव्ड एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड कीबोर्ड डेवलप नहीं कर सकते? तो यहां पर दोस्तों एक नया कीबोर्ड भी निकल के आया था कुछ सालों पहले जो कि है डोरेक कीबोर्ड। और यहां पर दोस्तों हुआ ये कि जितने भी आपके वॉवल्स हैं AEIOU और दोस्तों जो कुछ पांच कॉमनली यूज्ड कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हमने मिडिल रो के अंदर लगा दिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिसके बाद में टेक्निकली ये कहा जाता है कि अगर आप उस कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो एक तो जो आपका फिंगर मूवमेंट है वो बार बार ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मेजॉरिटी जो है वो सेंटर लाइन के अंदर टाइप करेंगे, और इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत वापस से वही हुई कि भाई जब पूरी दुनिया यूज टू है क्वालिटी कीबोर्ड के साथ में, तो डोरेक को यूज कौन करेगा? और एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो भैया अगर आप घर से निकलोगे बाहर तो सब तरफ तो क्वालिटी कीबोर्ड ही है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो डोरेक कीबोर्ड है उसको इतना यूज नहीं किया गया, हालांकि आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस कीबोर्ड को यूज करने का फंक्शन मिलता है, जहां पे आप अपनी इनपुट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो मैन्युअली अपनी कीज को रीअरेंज कर लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर से रीमैप कर लो, लेकिन डोरेक कीबोर्ड भी पॉपुलर नहीं हो पाया। और यहां पे भैया अगर आप खेलते हैं ना गेम जहां पे WASD को आप यूज करते हैं मूवमेंट्स के लिए, तो डोरेक पे वो WASD पास पास नहीं होगा, तो ये तो एक और नाइटमेयर है। लेकिन क्वालिटी की दोस्तों हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास में तो ABCD था,
बाद में क्वालिटी बन गया और उसके चलते आज हम वही यूज कर रहे हैं और हमको इतनी आदत लग चुकी है, हम सभी बचपन से इसको इतना सीख चुके हैं कि आज अगर हमको डोरेक सीखना पड़े तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होगा और एक बार अगर वो सीख गए तो बाद में क्वालिटी यूज करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसलिए दोस्तों फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, हम आज तक क्वालिटी को ही काम में लेते जा रहे हैं। हालांकि क्या पता ये इतना एफिशिएंट नहीं है, क्या पता इसको हम और इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतनी फुर्सत किसके पास में है, जब काम चल रहा है तो सब लोग क्वालिटी को ही काम में लेते जा रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, जान के कि भैया कीबोर्ड के अंदर ए से लेकर जेड तक सीक्वेंस में क्यों नहीं होते हैं बटन, और आपने कुछ नया सीखा होगा क्वालिटी कीपैड की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।